हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी के इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली कुछ जबरदस्त और एडवांस मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये है मिक्सिंग बकेट। ये कंक्रीट को मिक्स करने की एक एडवांस मशीन है, जो कि महज कुछ ही मिनट्स में कंक्रीट को मिक्स करके उसका पेस्ट तैयार कर देती है। ये मशीन अपने आप ही कंक्रीट और मिट्टी को अपने अंदर लोड कर लेती है, और फिर एक वर्कर द्वारा इसमें सीमेंट और पानी को इसकी जरूरत के हिसाब से इसमें डाला जाता है। इसके बाद ये मशीन कंक्रीट को मिक्स करने का काम शुरू कर देती है, और कंक्रीट को अच्छे से मिक्स करते हुए ये मशीन इसका एक पेस्ट बना देती है, और फिर इस पेस्ट का इस्तेमाल कहीं भी इजीली किया जा सकता है। ये है कर्व रोलर। इस रोलर का इस्तेमाल सड़क के किनारों पर बारिश के पानी को निकालने की नालियां बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक बड़े रोटेटिंग रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगातार घूमता रहता है, और इस रोलर को दो वर्कर आगे की ओर धीरे धीरे खींचते रहते हैं, और दो वर्कर इसमें आगे की तरफ से कंक्रीट का मिक्सर भी डालते रहते हैं। ये कंक्रीट लगातार रोलर के नीचे आकर दबते जाता है और नाली की शेप लेते जाता है। इसी तरह से इस मशीन के द्वारा सड़क के किनारों पर जल्दी जल्दी नालियों का निर्माण किया जाता है। ये है गैप मैस्टिक। ये भी एक कमाल की मशीन है, जो कि सड़कों में आए क्रैक्स को रिपेयर करने का काम करती है। इसे इस्तेमाल के लिए इसके कंटेनर में सबसे पहले डामर का पेस्ट लिया जाता है, और फिर इस कंटेनर को धीरे धीरे करके इन क्रैक्स के ऊपर चलाया जाता है। इनके ऊपर इस कंटेनर को चलाने से सड़क के बीच में मौजूद गैप में डामर का ये पेस्ट भरता जाता है। इस तरह से इस कंटेनर में डामर के पेस्ट को भरकर दो तीन बार इन क्रैक्स के ऊपर चलाया जाता है, जिससे ये क्रैक्स पूरी तरह से रिपेयर हो जाते हैं। ये है जैक हैमर। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल फ्लोर पर लगी टाइल्स को हटाने के लिए किया जाता है। ये एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मशीन है। ये मशीन मजबूत से मजबूत परमानेंट टाइल्स को फ्लोर से आसानी से हटा देती है, और इसमें आगे की तरफ एक छेनी लगी है। ये छेनी वाइब्रेट करते हुए टाइल्स पर साइड से प्रेशर डालती है, जिससे ये टाइल्स एक झटके में ही फ्लोर से उखड़ जाती है। यह है 2.9। दीवारों पर प्लास्टर के काम को जल्दी से निपटाने के लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऑटोमेटिक प्लास्टरिंग मशीन है। इसके काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। इस मशीन को इस्तेमाल के लिए इसमें सबसे पहले इसे दीवार के पास सेट किया जाता है, फिर इसके कंटेनर में पहले से बना बनाया प्लास्टर डाला जाता है, और फिर इस मशीन का एक बटन प्रेस करने के बाद ये मशीन दीवार पर प्लास्टर लगाने का काम शुरू कर देती है। आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से ये मशीन दीवार पर प्लास्टर को लगाते जा रही है। जिन दीवारों पर प्लास्टर करने में मजदूरों को पूरे दिन का समय लग जाता है, वहीं उसी काम को ये एडवांस मशीन कुछ ही मिनटों में कर देती है। यह है रीबार टाइंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल घर की छत में लगने वाले सरियों को बांधने के लिए किया जाता है। यह मशीन दिखने में छोटी है, पर ये काफी एडवांस है। ये मशीन 2 सेकंड के अंदर ही सरियों को आपस में बांध देती है। ये बैटरी से चलने वाली एक रिचार्जेबल मशीन है, और इसमें अंदर की तरफ वायर का एक बंडल लगा है, और इस मशीन का एक बटन दबाते ही ये मशीन इस वायर से सरियों को बांध देती है। आपको बता दें कि ये मशीन 1 घंटे के अंदर 1000 से भी ज्यादा सरियों को आपस में बांध सकती है। यह है पेवर लेइंग मशीन। ये मशीन एक एडवांस पेवर लेइंग मशीन है, जो कि कंक्रीट ब्रिक्स को जमीन पर बिछाने का काम करती है। ये मशीन कंक्रीट ब्रिक्स के एक पूरे ब्लॉक को ही उठाकर जमीन पर बिछा देती है। जैसे ही ये मशीन कंक्रीट के एक पूरे ब्लॉक को उठाकर लाती है, तो इसके आगे खड़ा एक वर्कर इसे सही पोजीशन पर रखने में इसकी हेल्प करता है, और फिर एक हथौड़ी की मदद से ये वर्कर इन कंक्रीट ब्रिक्स को अच्छे से सेट भी कर देता है। इस तरह से ये मशीन जमीन पर काफी तेजी से कंक्रीट ब्रिक्स बिछाने का काम करती है। यह है प्रोबस टूल। ये एक कंक्रीट ब्रिक स्प्लिटर टूल है। अक्सर आपने देखा होगा कि कंक्रीट ब्रिक्स को बिछाने के बाद कोनों पर सही अच्छे से सेट नहीं हो पाती, और इनके कोनों पर कुछ जगह गैप रह जाता है। इसी गैप को अच्छी तरह से फिल करने के लिए इस टूल के द्वारा इस गैप का नाप लिया जाता है, और फिर इस लिए गए नाप के अकॉर्डिंग ब्रिक्स के ऊपर निशान लगाए जाते हैं, और फिर निशान लगाए गए इन ब्रिक्स को एक एक करके इस ब्रिक स्प्लिटर टूल की मदद से तोड़ दिया जाता है, और फिर इन टुकड़ों को इन गैप में अच्छी तरह से भर दिया जाता है, जिसके बाद ये दिखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। यह है सैंड मास्टर। यह भी काफी एडवांस मशीन है, जो कि प्लास्टिक बैग्स में मिट्टी को भरने का काम करती है। यह एडवांस मशीन एक साथ 20 प्लास्टिक बैग्स में मिट्टी भर सकती है। इसमें सबसे पहले कुछ वर्कर्स द्वारा इस मशीन के बकेट पर इन प्लास्टिक बैग्स को फिक्स किया जाता है। इन बैग्स को इस मशीन के बकेट पर इस प्रकार फिक्स किया जाता है कि इनके मुंह ऊपर की तरफ खुले रहते हैं, और फिर इस मशीन के बकेट को मिट्टी में चला जाता है, जिससे ये मिट्टी इन बैग्स में अच्छी तरह से भर जाती है। फिर ये मशीन इन बैग्स को नीचे की तरफ एक झटके से छोड़ देती है, जिनसे इन सभी बैग्स में लगे धागे खींच जाते हैं, और इनके मुंह ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं। यह है BMM 300। ये एक ऑटोमेटिक ब्रिक मेकिंग मशीन है, जो कि ब्रिक्स बनाने के सारे पुराने तरीकों को पीछे छोड़ चुकी है। ब्रिक्स बनाने के लिए इस मशीन के ऊपर लगे कंटेनर में ब्रिक बनाने का रॉ मटेरियल डाला जाता है, और फिर ये मटेरियल इस कंटेनर से धीरे धीरे इसके रोटेटिंग व्हील में आते रहता है। इस रोटेटिंग व्हील में ईंट की शेप के छोटे छोटे कई फ्रेम्स लगे हैं, जिनमें ये मटेरियल ईंट की शेप लेते जाता है, और फिर ये एक एक करके जमीन पर बिछती जाती है। आपको बता दें कि ये एडवांस मशीन 1 मिनट के अंदर 400 से ज्यादा ईंटें बना सकती है। यह है प्लास्टर लेइंग टूल। यह भी काफी एडवांस टूल है, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स के बीच में प्लास्टर लगाने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल के लिए सबसे पहले इस टूल को कंक्रीट ब्लॉक्स के ऊपर रखा जाता है, और फिर इसमें थोड़ा सा प्लास्टर डाला जाता है, और जब इस टूल को पीछे की तरफ खींचा जाता है, तो प्लास्टर इस कंक्रीट ब्लॉक पर अच्छी तरह से लग जाता है। प्लास्टर के लगने के बाद इस पर एक कंक्रीट ब्लॉक रख दिया जाता है। इस तरह से इस टूल की मदद से कंक्रीट ब्लॉक्स की दीवारें काफी जल्दी जल्दी बनाई जा सकती है। इस टूल के इस्तेमाल से कंक्रीट ब्लॉक पर प्लास्टर एक फिक्स अमाउंट में लगता है, इसी वजह से इस प्लास्टर टूल की मदद से टाइम और प्लास्टर दोनों की बचत की जा सकती है। यह है पिलर ब्रेकर। यह एक बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है। इसका इस्तेमाल कंक्रीट के मजबूत पिलर्स को तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन को एक क्रेन के जरिए उठाकर पिलर्स के ऊपर रखा जाता है, फिर इसके बाद ये मशीन अपनी हाइड्रोलिक पावर से पिलर को तोड़ते जाती है। यह है रोड प्रिंटिंग मशीन। सड़कें तो आपने सभी ने बनती देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सड़कों को प्रिंट होते देखा है? ये कमाल की मशीन सड़कों को प्रिंट करने का काम करती है। ये मशीन कंक्रीट से बने ब्रिक्स को जमीन पर बिछाती जाती है। इस मशीन में आगे की तरफ लगे कंटेनर में कंक्रीट ब्रिक्स को लगातार एक मशीन के जरिए डाला जाता है, और इन ब्रिक्स को लगातार दो वर्कर एक फिक्स पैटर्न में जमाते जाते हैं, और इन सब प्रोसेस के दौरान ये मशीन धीरे धीरे आगे भी चलती जाती है, जिससे ब्रिक्स लगातार जमीन पर बिछती जाती है। इस तरह से ये मशीन 1 दिन में 100 स्क्वायर फीट एरिया प्रिंट कर सकती है, यानी कि ये मशीन 1 दिन में करीब 1 किलोमीटर लंबी रोड आराम से बना सकती है। यह है प्लास्टर स्प्रे मशीन। ये एडवांस मशीन दीवार पर प्लास्टर करने के सारे पुराने तरीकों को पीछे छोड़ चुकी है। इस प्लास्टर स्प्रे मशीन की मदद से प्लास्टर को दीवार पर स्प्रे किया जाता है। नॉर्मली मजदूरों को हाथों से प्लास्टर करने में कई घंटों का समय लग जाता है, वहीं ये मशीन प्लास्टर को दीवार पर कुछ ही मिनट में स्प्रे कर देती है। इस मशीन द्वारा स्प्रे किया गया ये प्लास्टर दीवारों के गैप में अच्छी तरह से अंदर तक चला जाता है, जिससे प्लास्टर में और भी मजबूती आती है। और इस स्प्रे मशीन का प्लास्टर एक अलग मशीन के जरिए तैयार किया जाता है। इसमें एक कंक्रीट मिक्सिंग मशीन के जरिए प्लास्टर तैयार करके इस मशीन के कंटेनर में डाला जाता है, फिर इस कंटेनर से इस प्लास्टर को पाइप के थ्रू आगे पंप किया जाता है। इस तरह से ये प्लास्टर यहाँ स्प्रे मशीन तक पहुंचता है। यह रोड मार्किंग। इन मशीनों का इस्तेमाल सड़क पर मार्किंग के लिए किया जाता है। आपने सड़कों पर अक्सर व्हाइट स्ट्रिप्स देखी होगी। इन स्ट्रिप्स को बनाने के लिए सबसे पहले व्हाइट पेंट को एक कंटेनर में लिया जाता है, और फिर इन्हें मार्किंग वाली जगह पर चलाया जाता है। इस तरह से इन मार्किंग्स को सड़कों पर प्रिंट किया जाता है, और सड़कों पर कुछ मार्किंग ऐसी भी होती है जिन्हें इन मशीनों के जरिए प्रिंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इन मार्किंग को पहले से पेपर शीट की फॉर्म में अलग अलग शेप में बनाकर रखा जाता है, और इन मार्किंग को सड़क पर रखकर इन्हें फ्लेम के जरिए हीट किया जाता है। ऐसा करने से ये शीट गर्म होकर सड़क पर अच्छे से चिपक जाती है, और सड़कों पर लंबी लंबी डॉट और व्हाइट स्ट्रिप्स को बनाने के लिए इन स्पेशल स्प्रे मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्प्रे मशीन एक व्हीकल पर लगाई गई होती है। ये स्प्रे मशीन रोड पर चलते हुए स्प्रे की मदद से सड़कों पर मार्किंग करते जाती है।
ये है राइडिंग ट्रोवेल। इस तरह की बड़ी ट्रोवेल मशीनों का इस्तेमाल कंक्रीट की सड़कें या फिर बड़े बड़े फ्लोर बनाने के लिए किया जाता है। कंक्रीट को जमीन पर डालने के बाद इन मशीनों को फ्लोर पर चलाया जाता है। ये मशीनें अपने हैवी वाइब्रेटिंग पावर से कंक्रीट को अच्छी तरह से सेट कर देती है और इनमें नीचे की तरफ लगी सर्कुलर प्लेट्स फ्लोर को एक फिनिशिंग भी देते जाती है। आपको इस वीडियो में दिखाई गई सभी एडवांस मशीनें कैसी लगी अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।